नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ। यह नजारा है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश मुख्यालय का, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, चांदनी चौक जिले के अध्यक्ष सरदार कुलदीप सिंह के नेतृत्व में जिले के सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का स्वागत किया और शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा, निगम पार्षद विकेश सेठी, मनोज जिंदल, रेणु अग्रवाल, सुशील कुमार जोंटी, कमल बागड़ी, पूर्व जिला अध्यक्ष सतपाल भाटिया सहित अनेकों मंडल के अध्यक्ष, सभी मोर्चों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे और फूल मालाओं से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अभिनंदन किया। वहीं इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने आए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और अपने सुझाव साझा करते हुए कहा कि किसी भी कार्यकर्ता के लिए सर्वप्रथम पार्टी विस्तार के लिए कार्य करते रहना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ही मात्र ऐसी पार्टी है जो किसी भी कर्मठ कार्यकर्ता की लगन को देखकर उसे जिम्मेदारी अवश्य देती है। उन्होंने कहा कि पार्टी कब किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देगी, यह फैसला शीर्ष नेतृत्व का होता है। बस कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें। वहीं इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सरदार कुलदीप सिंह ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भविष्य में जिला चांदनी चौक और अधिक मजबूती से काम करेगा।